नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रणामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौराणी प्रचारिणी विशेष पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो मेरा जो टॉपिक है वो पिछले जो जपा टॉक से है उससे रिलेटेड ही है, डीलिंग्स ऑफ वैष्णव। इस संदर्भ में मैंने हिचग्रेस अमरेंद्र प्रभु, हिचग्रेस हरग्रेस निताई सेवनी माता जी के कुछ लेक्चर्स से कुछ कोट्स लिए हैं मैंने, उसी को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो हमने कथा में सुना है कि बहुत सारी कथाओं में हम सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे नाम जप करना चाहिए, तुलसी तो सेवा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सब हम सुनते हैं, ज्यादातर लेक्चर्स हम सुनते हैं कि भक्ति के लिए ये सारी अनुकूल चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और भक्तिनोद ठाकुर अपने एक भजन में ही बता रहे हैं, जो कि मैं पिछले जब डॉक्यूमेंट डिस्कस कर चुका हूँ, कि अनुकूल विधियां क्या क्या हैं, क्या क्या भक्ति में उन्नति करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और एक ऐसी भी चीज है जो भक्ति में उन्नति करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वो है वैष्णव अपराध। तो हरग्रीव निताई सेवनी माता जी कह रहे हैं कि जो अपराध का जो मेन जो मतलब है, उसका मतलब है कि राधा रानी से दूर जाना। तो अगर हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो इसका मतलब है कि राधा रानी हमसे प्रसन्न नहीं होती है, और हमें राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है तो हमें कृपा नहीं मिलती है, और हम राधा रानी से धीरे धीरे करके दूर चले जाते हैं। और ऐसा होता भी है कि हम बहुत टाइम से बहुत करीब 5 साल 10 साल हो जाता है, 15 साल हो जाता है, भक्ति में बहुत कुछ कर लिया, धाम यात्रा करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, जपा सेशन करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अपराध करते हैं, जाने अनजाने में अपराध करते हैं और उसको हम गौर नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है। तो माता जी बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो आइसक्रीम की तरह है, तो वो आइसक्रीम की तरह है, और जब हम उससे गौर नहीं करते तो धीरे धीरे करके वो एक तरीके से गलने लग जाती है, और फिर हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारी भक्ति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है, भक्ति में वो टेस्ट नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हम अपराध कर रहे होते हैं जाने अनजाने। शुरू शुरू में हम जाने में करते हैं, फिर जब धीरे धीरे हम स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे हम जब अपराध करने की हमारी प्रवृत्ति नियमित हो जाती है, फिर हमें पता नहीं चलता कि हम अपराध कर रहे हैं, और फिर हमारी भक्ति धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो ऐसा है। इसको माता जी ऐसे भी बता रहे हैं कि ये एक गाड़ी की तरह ले सकते हैं, जैसे कार में हम एक्सीलेटर तो दे रहे हैं लेकिन ब्रेक लगा रखा है, हमने ब्रेक लगा रखा है तो जो भक्ति है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, कार जो है वो भक्ति रूपी कार जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसलिए भक्ति में उन्नति करनी है तो वैष्णव अपराध से भी बचना चाहिए। इसमें चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य भागवत के माध्यम से कह रहे हैं कि जय मोर भक्तिर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्प तरु तहां रस संघारे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे भक्त के प्रति जो भक्त की जो निंदा करता है, जो भक्त के प्रति अपराध करता है, तो स्वयं जो मेरा कल्प तरु नाम हरि नाम है वो तहां रस संघारे, वो आके उस व्यक्ति का संहार करता है जो मेरे भक्त के प्रति अपराध करता है। और इसी संदर्भ में नरोत्तम दास ठाकुर भी एक भजन में बता रहे हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। वहां पर ये बता रहे हैं कि जो हरि स्थान है, हरि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थान के प्रति अगर अपराध करते हैं तो हरि नाम तार देता है। तो लेकिन तोमर स्थाने अपराधे नाही परित्राण,
अगर वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो कोई उपाय नहीं है उसका। और निताई सावनी माता जी भी बता रहे हैं कि इसका कहीं किसी भी शास्त्र में कोई उपाय है ही नहीं, कि अगर वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया है तो इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे ही है। और तो इसमें बता रहे हैं कि डीलिंग्स, उसमें एक एक कैसे डीलिंग्स करना चाहिए, हमें भक्तों के साथ कैसे डीलिंग्स करना चाहिए। उसमें एक मेरा भी एक रियलाइजेशन है, जैसे जब हम लोग शुरू शुरू में भक्ति में आए थे तो करीब करीब 6-7 महीने या 1 साल हुआ था, तो हमारे जो काउंसलर थे हिजबेस दामोदर गिरिराज प्रभु, तो वो क्या करते थे, मतलब हमारे साथ के जो डिवोटीज थे वो उनका एक व्यवहार हो गया था कि जैसे एक प्रभु जी थे अमन ठाकुर करके, तो दो डिवोटी ऐसे आपस में होते, और ठाकुर क्या हाल है, कैसा है, और कैसे आया ऐसे करके, और दूसरा और अक्षय क्या हाल है ऐसे करके। तो एक दिन दामोदर गिरिराज प्रभु जी ने हमें मतलब सबके सामने तो नहीं लेकिन पर्सनली अमन प्रभु जी ने मुझे बताया कि वैष्णव से डीलिंग्स कैसे होते हैं। तो वैष्णव को हम हल्के मिल लेते हैं कि ठीक है ये नॉर्मल वैष्णव है, तो अमन प्रभु ने मुझे बताया कि जो वैष्णव है वो कितने कितने उच्च कोटि पे हैं कि उन्हें हम नॉर्मल इंसान नहीं समझते, कि हम उसे बोल रहे हैं कि और अमन क्या हाल है, या और अमन ठाकुर क्या हाल है ऐसे करके, या और ठाकुर क्या हाल है ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रभु बोल के ऐसे सम्मान देना चाहिए, हिजगिरिराज प्रभु जी ने बताया। तो वैष्णव बहुत उच्च कोटि पे है और इसे उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। इसमें एक और प्रसंग बता रहे हैं हिजगिरिराज अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे हैं, वो अपना एक पर्सनल रियलाइजेशन बता रहे हैं स्टोरी में, कि वो किसी राज्य में गए थे और उन्हें इनवाइट किया गया था, इसलिए उनके कोई मित्र थे उनके यहाँ पर वो गए थे। तो वहां पर एक वैष्णव भी आए हुए थे, वरिष्ठ वैष्णव थे जो कि दूसरे संप्रदाय थे, तो उन्हें उन्हें आमंत्रित किया गया था प्रसाद के लिए। तो उस इस स्टोरी का जो मर्म है वो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम जज नहीं कर सकते डीवोटी को कि वो किस स्तर पर है। इसमें विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि का भी एक प्रसंग आता है, उसको भी चर्चा करेंगे। तो अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे हैं कि वो मेरा पर्सनल जो रियलाइजेशन उस घटना के बाद था, तो उसके लिए बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ वैष्णव आए जो कि दूसरे संप्रदाय के थे, उन्हें हमने प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, जो होस्ट थे उन्होंने आमंत्रित किया, और वो आते हैं और प्रसाद प्रसाद पाना शुरू करते हैं, बैठते हैं आसन पे। लेकिन वैष्णवों में या अपने इस्कॉन संप्रदाय में होता है कि जब हम लोग प्रसाद पाते हैं तो महाप्रसादे गोविंदे नमो प्रमण ऐसे करके मंत्र बोलते हैं, और उसके बाद जैसे हाथ धोना, प्रसाद लेने से पहले मंत्र बोलना, और उसके बाद, लेकिन उनका जो आचरण देख के अमरेंद्र प्रभु जी और जो उनके होस्ट उधर होस्ट थे वो सारे हैरान हो गए कि ये कैसे भक्त हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं, और रोटी और चपाती सारा कुछ मिक्स, सॉरी रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ मिक्स कर दिया है, एक में मिक्स कर दिया है, फिर उसके बाद रसगुल्ला एक जेब में रख लिया है और दूसरा रसगुल्ला उठाया दूसरी जेब में रख लिया, दोनों हाथों से दोनों मुंह में गाय रहे हैं, खा रहे हैं, प्रसाद खा भी रहे हैं और नीचे गिरा भी रहे हैं और व्यर्थ की बातें भी कर रहे हैं। तो ये देख के प्रभु जी बता रहे हैं अमरेंद्र प्रभु जी की मुझे भगवान का स्मरण आया और मैंने बोला कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला, वैष्णव अपराध कराने के लिए दूसरे तरीके से हमें माध्यम बना रहे हैं। तो हालांकि उन्हें रियलाइजेशन हुआ प्रभु जी को शुद्ध भक्त हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर प्रसाद पाया, उन्होंने हाथ नहीं धोया, हाथ ऐसे ही जो वैष्णव थे दूसरे परंपरा के उन्होंने हाथ ऐसे ही अपने कुर्ते में पोंछा और चल दिए। चलने से पहले फिर होस्ट से मिले तो होस्ट ने बोला, अरे प्रभु जी ने बोला जो वैष्णव थे वरिष्ठ वैष्णव उन्होंने बोला कि मैंने इतना कुछ ऐसी एक्टिविटी करी आपको बुरा नहीं लगा क्या, आपको हैरानी नहीं हुई क्या। तो होस्ट बोले कि प्रभु प्रभु थोड़ा सा अजीब तो लगा लेकिन आप हमारे घर आए हैं और मेरी बुद्धि जो है वो ऐसी है त्रुटि वैष्णव में त्रुटि देखने की, लेकिन भगवान की इच्छा है मैं उसमें त्रुटि नहीं देखना चाहता, हालांकि मैं थोड़ा बहुत मुझे लगा।
वैष्णव जो वरिष्ठ वैष्णव थे वो बोले, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया है कि दोनों हाथ से खाना प्रसाद पाया हो, या बिना मंत्र बोले मैंने प्रसाद पाया हो, या मैं प्रसाद पा भी रहा हूँ और मैंने अपने कुर्ते में रख भी लिया हो सारा, आधा रख के घर लेके जा रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं किया। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था जो प्रभुपाद जी का जो संस्था है, जो इस्कॉन का जो जो इस्कॉन संस्था है, उसमें रहते हुए आपने क्या सीखा? तो वो आचरण देख, वो आपका आचरण देख के लगा कि जो प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाया है, जो इस्कॉन संस्था है, वो सही है और उसमें आप सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभु जी बता रहे हैं, अमरेंद्र प्रभु जी, वो मेरे जीवन का जो बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन था कि वैष्णव को कभी भी हम अपने मतलब मेंटल स्पेकुलेशन के स्तर से नहीं देख सकते हैं। जो वैष्णव है वो बहुत उच्च कोटि पे है और उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। पुंडरीक विद्यानिधि का भी एग्जाम्पल आता है, आप सभी जानते हैं कि गदाधर पंडित जो है उनको भी, जो कि भगवान के पार्षद हैं गदाधर पंडित, उनको भी आश्चर्य हो गया पुंडरीक विद्यानिधि को देखते कि भौतिकता के सागर कह सकते हैं कि भौतिकता के आगर, भौतिक उनमें सारी भौतिक चीजें दिख रही हैं, इत्र लगा रखा है, बाल बना रहे हैं और सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, स्त्रियों का स्त्रियां संग में बैठी हुई हैं उनके। लेकिन जब मुकुंद एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलते हैं, अहो बकीयम करके कुछ ऐसे श्लोक है वो बोलते हैं, जिसमें पूतना पूतना के उद्धार के बारे में बता रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि पूतना जैसे कोई राक्षसी को भी माँ का स्तर दे दिया, धात्री माँ का स्तर दे दिया। जब पुंडरीक विद्यानिधि जब ये श्लोक सुनते हैं तो इतने भाव में आ जाते हैं कि वहीं अपने अष्ट सात्विक विकार को प्रदर्शित करते हैं। तब गदाधर पंडित को एहसास होता है कि ओहो मानसिक अपराध हो गया है, मानसिक अपराध हो गया है, अभी कुछ करना, क्या करना चाहिए। तब मुकुंद से पूछते हैं कि बताइए क्या करें, अपराध तो हो गया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कहीं भी शास्त्र में। तब बोला कि आप इन्हीं से दीक्षा ग्रहण करिए, दीक्षा ग्रहण करिए और इन्हीं की सेवा में तत्पर रहे। तो ऐसे है वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक बीमारी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कह रहे हैं कि दो दो कैटेगरी होती है, पाप और अपराध। जो पाप है पाप से लाखों गुना खतरनाक है अपराध। पाप करके हम बच जाते हैं, राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बता रहे हैं पाप करके हम बच सकते हैं लेकिन अपराध करके नहीं बच सकते हैं। तो बहुत जरूरी है वैष्णवों के समाज में सबसे पहले वैष्णव अपराध करने से बचना, फिर अमरेंद्र प्रभु जैसा बता रहे हैं कि पहले वैष्णव अपराध से बचना जरूरी है, फिर धीरे 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 जब हमें लगेगा कि हम वैष्णव अपराध से बच रहे हैं, फिर और भौतिक समाज में भी जो अपराध करते हैं या निंदा करते हैं हम व्यक्ति की, उसका भी स्तर आएगा, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी से प्रे करना चाहिए, भक्तों से वैष्णवों से प्रे करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से वैष्णव अपराध से बढ़े और हरिनाम में हमारी रुचि बढ़े। हरे कृष्ण जगद गुरु श्री प्रभुपाद की जय।